हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 10 फोर क्लास 8th साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 19 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर सेकेंड जो है आपका वो कंटिन्यू है। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, यू हैव नोन अ बाय नाउ दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मॉल। तो आप सभी बच्चे जान गए हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं, विच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और उनको हम केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मूव फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन बाय एयर, वाटर, ब्रीद और कॉन्टेक्ट। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं बाय एयर, वाटर, ब्रीद और कॉन्टेक्ट के थ्रू। क्लियर। टुडे वी विल लर्न अबाउट डिजीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन एंड एनिमल। और आज जो है हम जो डिजीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होती हैं, ह्यूमंस में भी होती हैं और कुछ डिजीज़ जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एनिमल्स में भी होती हैं। सो टुडे डिजीज़ कॉज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बींग्स। तो डिजीज़ जो है जैसे देखिए प्रोटोजोआ मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से कॉज डिजीज़ है। उसके बाद देखिए बैक्टीरिया से कौन सी होती है, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा एंड टाइफाइड। ये डिजीज़ किससे होती हैं, ये डिजीज़ होती हैं बैक्टीरिया से, बैक्टीरियल डिजीज़ हैं जिनको आप अपनी कॉपी में भी लिखोगे और याद भी करोगे। थर्ड है वायरस। तो वायरस से कौन सी डिजीज़ होती हैं, पोलियो, मीजल्स, हेपेटाइटिस ए और चिकन पॉक्स। ठीक है, तो ये डिजीज़ किससे होती है बच्चों, ये डिजीज़ होती हैं वायरस से। तो आपको चिकन पॉक्स दिखाया गया है ना, पूरी बॉडी पर ऐसे दाने दाने से निकल जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, चिकन पॉक्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, मेजर्स टू प्रिवेंट डिजीज़। अब बात करते हैं कि हम जो ये डिजीज़ हैं इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इनको कैसे कुछ हद तक रोक सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। सो कीप योवर सराउंडिंग क्लीन। तो हमें सबसे पहला जो काम करना है वो करना है कि हमें अपना जो सराउंडिंग है हमें वहाँ पर सफाई रखनी चाहिए। सेकेंड है डोंट डिफेकेट इन ओपन, यानी खुले में जो है हमें शौच नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एंड थर्ड है वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। तो खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हमें अच्छे से अपने हैंड जो है वो वॉश करने चाहिए। नेक्स्ट देखिए डोंट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड यू। तो अपने चारों तरफ पानी भी इकट्ठा ना होने दें, पानी इकट्ठा होगा तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर जो मॉस्किटोज़ हैं वो ब्रीड कर जाएंगे और फिर वो मलेरिया फैलाएंगे। नेक्स्ट है गेट योवर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड ऑन टाइम। अपने बच्चों को जो वैक्सीन है वो टाइम से ज़रूर लगवाएं, है ना। तो जैसे आपको भी बच्चों वैक्सीन लगी हुई है, टीके लगे हुए हैं ना, BCG का टीका, MMR का टीका आदि। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया गया है कीप ए नैपकिन ऑन द माउथ वाइल कफिंग। तो जब आप खांसते हो तो अपने मुंह पे नैपकिन ज़रूर रखें, क्योंकि खांसते समय जो हमारे मुंह के जो आप बैक्टीरिया हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, एयर में फैल जाते हैं और अगर हमें कोई बीमारी है तो हो सकता है वो बीमारी दूसरे को भी लग जाए। जैसे आजकल जो कोविड चल रहा है वो इसी तरह की एक डिजीज़ है, जो कि जो हमारे माउथ से ड्रॉपलेट्स निकलेंगे अगर वो दूसरे के पास चले जाएंगे तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। और ऐसी जो डिजीज़ होती हैं उनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। दो टाइप की होती है, एक कम्युनिकेबल एक नॉन कम्युनिकेबल। जो एक दूसरे से फैलती हैं वो कम्युनिकेबल होती हैं, और जो एक दूसरे से नहीं फैलती वो नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। नाउ एंथ्रेक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ कॉज्ड बाई अ बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस एंथ्रेसिस। तो देखिए जो एंथ्रेक्स है वो एक बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है जो ह्यूमन और कैटल दोनों में होती है, मानव में भी होती है और पशुओं में भी होती है। ठीक है, और कौन से बैक्टीरिया से होती है ये होती है बैसिलस एंथ्रासिस। तो नाम याद रखेंगे, बैसिलस एंथ्रासिस से ये डिजीज़ होती है। विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कॉच। तो किसने डिस्कवर किया था इसको, इसको डिस्कवर करने वाले थे रॉबर्ट कॉच। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत ही आसान से ईजी से क्वेश्चन हैं। क्लियर, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग। तो मैच करना है तो यहाँ पे आप मैच कर देंगे। देखिए बैक्टीरिया से जो है इसमें आपको बताना है कि बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ होती है। सो बच्चों इसको हम थोड़ा जूम करके करेंगे ताकि आपको इजीली ये जो है समझ आ जाए और आप इसको आसानी से लिख सको। तो देखिए इसमें कॉजिंग चिक चिक लिखा हुआ है,
तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप चिकन पॉक्स कर लेंगे, चिकन पॉक्स इसको आप कंप्लीट कर लें। ठीक है बेटा, अब देखिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ है, बैक्टीरिया कॉजिंग कॉलरा। ठीक है, सेकंड देखिए लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस से क्या होती है, कर्ड फॉर्मेशन होती है, कर्ड जो बनती है उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। यीस्ट से क्या होता है, बेकिंग ऑफ ब्रेड, यीस्ट से क्या होगा, बेकिंग ऑफ ब्रेड। प्रोटोजोआ से क्या होगा, इट कॉज मलेरिया, प्रोटोजोआ कॉज मलेरिया। एंड वायरस, वायरस कॉजिंग चिकन पॉक्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको मैच कर देना है। तो बेटा वीडियो पॉज करके आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए, कॉलम ए और कॉलम बी को इसी तरह से लिख के और कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन है, राइट एनी टू वेज टू प्रिवेंट मलेरिया। तो मलेरिया को हम कैसे जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, टू वेज आपको लिखने हैं। तो बेटा फुल स्लीव्स के क्लोथ्स पहन के हम मलेरिया को प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके अलावा जो है मॉस्किटो नेट लगा के हम प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने चारों तरफ सफाई रख के। तो ये कुछ तरीके हैं, तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से आप आंसर करेंगे वेज टू प्रिवेंट मलेरिया। ठीक है, तो फर्स्ट है वी शुड वियर फुल स्लीव्स क्लोथ्स, तो हमें फुल स्लीव्स क्लोथ्स पहनने चाहिए। सेकंड, डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड यू, अपने चारों तरफ पानी जो है वो इकट्ठा ना होने दें। तो ये दो जो है आप वेज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नेम एनी थ्री डिजीज स्प्रेड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस इन ह्यूमन। तो ह्यूमन और जो वायरस है उससे फैलने वाली आपको तीन तीन डिजीज़ लिखनी है। तो हमने अभी ऊपर इसको किया है, ये देखिए आप ऐसे कैसे ये डिजीज़ लिख देंगे, बैक्टीरिया से है ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा एंड टाइफाइड, और वायरस से आप लिख देंगे पोलियो, मिजल्स, हेपेटाइटिस ए एंड चिकन पॉक्स। तो ये डिजीज़ जो है बच्चों आप लिख देंगे, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर दिया गया है, नेम ए डिजीज़ दैट इज़ फाउंड बोथ इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। कौन सी डिजीज़ है जो ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों में होती है, तो वो कौन सी है बच्चों, वो है एंथ्रेक्स। कौन सी है, एंथ्रेक्स। क्लियर है, तो यहाँ से लिख देंगे एंथ्रेक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़। क्लियर है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर हो जाएगा। नाम भी लिख सकते हैं, केवल एंथ्रेक्स भी लिख देंगे, या यहाँ से ऐसे ये लिख देंगे कि इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव है, होल वर्ल्ड इज़ सफरिंग फ्रॉम ए पेंडेमिक नाउ अडेज। तो आजकल पूरा वर्ल्ड जो है एक पेंडेमिक से जूझ रहा है, उसका नाम क्या है, कोविड-19। नेम द पेंडेमिक, ठीक है, एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय विच इट इज़ स्प्रेड एंड मेंशन सम वेज टू प्रिवेंट इट, और आपको इसके कुछ प्रिवेंट करने के उपाय भी लिखने हैं। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। द वर्ल्ड इज़ सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 नाउ अडेज। तो वर्ल्ड जो है किससे सफ़र कर रहा है, कोविड-19 से, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय द कोरोना वायरस। और ये किससे कॉज होता है, कोरोना वायरस से, ठीक है, SARS-CoV-2। द फॉलोइंग मेजर शुड बी टेकन फॉर कॉशन, ठीक है, तो हम कौन कौन से प्रिकॉशन ले सकते हैं। फर्स्ट आप लिख देंगे, फर्स्ट है वियर मास्क, ठीक है, एंड सेकेंड देखिए, इसको छोड़ दीजिए बेटा, सेकेंड देखिए हैंड्स शुड बी वॉश्ड फ्रिक्वेंटली, वन शुड कीप डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स, एंड फोर्थ है यू शुड सैनिटाइज योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली। ठीक है, मास्क पहनेंगे, मास्क पहनना चाहिए, वॉश हैंड को वॉश करना चाहिए, हमें दूसरों से डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए, और जो हैंड्स हैं उनको फ्रिक्वेंटली सैनिटाइज भी करना चाहिए। तो ये फोर वेज आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट बेटा साइंस की, आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।